सैयदना अब्बास इबन अली के मुतालिक तफसील से बता दें। इसके लिए मेरे भाई कोई आप शिया की हिस्ट्री पढ़ लें, ज़्यादातर तफसील तारीखी तो वहीं मिलती है, हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हज़रत अली के वो बेटे थे और करबला में सैयदना हुसैन इबन अली के साथियों में वो शहीद हुए और उन्हीं को अब्बास अलमबरदार कहा जाता है। और ये आपको शिया के जो घरों में वो जो पंजे और हाथ नज़र आते हैं वो उन्हीं की नस्बत से लगाए हुए हैं, बस यही रह गया। हालांकि ये उनका कोई पंजा नहीं है, ना अहले बैत ने कभी ये स्टील के या ये लोहे के पंजे बना बना के तो लगाए हैं। इन चीज़ों का क्या लेना देना, अगर लगाना होता तो अल्लाह के नबी का हाथ की शबीना बना के अहले बैत लगाते, जिसके बारे में कुरान में आया, वमा रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। ए नबी, जो ग़ज़वे हुनैन के मौका पर आपने कंकरियाँ फेंकी थी, 12,000 का मुसलमानों का लश्कर मुकाबला नहीं कर सका कबीला हवाज़न के तीरों का, सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए, वाज़े शिकस्त हो गई, हुजूर का बस मोर्चा ज़ाहिर हुआ, हुजूर ने एक ऐसे मिट्टी की एक मुट्ठी कंकरियों की भाड़ के उनकी तरफ फेंकी, वो सारे अंधे हो गए। सही मुस्लिम में पूरी तफसील है, कुरान में भी जिक्र है, वमा रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ नबी, जो कंकरियां आपने फेंकी थी वो आपने तो फेंकी नहीं थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी, जबकि आपने फेंकी थी। सूरह फत में आया कि ये जो दरख्त के नीचे बैत कर रहे हैं नबी तुम्हारी, अल्लाह इनसे राजी हुआ है, इनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है, हालांकि वो रसूलुल्लाह का हाथ था, यानी रसूलुल्लाह ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड बैत ले। तो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ का तो पंजा मैंने तो नहीं कहीं लगे हुए देखा। तो ये जज्बाती चीजें हैं, जब दीन की रूह निकल जाए ना फिर दीन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, झंडियां, कपड़ों में दीन, नारों में दीन, झंडों में दीन, रंगों में दीन, ये सारा हो जाता है।